अमरीकी काउंसिल जनरल स्कॉट ओबाम की मज़ार क़ायद पर हाजिरी अमरीकी काउंसिल जनरल का बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जना को खराज अकीदत फूल पेश किए। अमरीकी काउंसिल जनरल ने अमरीकी आवाम की जानिब से मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। इस पर बात करते हैं कराची से नुमाइंदा GNN बाबर सलीम से। जी बाबर सलीम, बताएगा इस मौके पर क्या उनकी जानिब से कोई गुफ्तगू भी की गई है? वाले से उनका कहना था, जिस वक्त वो मज़ार क़ायद पर आए हैं, उनका कहना था कि पाकिस्तान और अमरीकी आवाम के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए अब वो अपना किरदार अदा करते रहेंगे। अमरीकी काउंसिल जनरल स्कॉट ओबाम ने बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर आज हाजिरी दी थी और उन्होंने वहाँ फूलों की चादर चढ़ाई। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की, मज़ार क़ायद की खूबसूरती की तारीफ की। उनका कहना था कि पाकिस्तान और अमरीकी आवाम के दरमियान जो ताल्लुकात हैं ना सिर्फ उनको गहरा होना चाहिए बल्कि दीगर रवाबित भी बढ़ाए जाने चाहिए। जी जी बिल्कुल।